तो देखते हैं, लिखा है क्वेश्चन में द एवरेज रेवेन्यू ऑफ 9 consecutive ईयर्स ऑफ द कंपनी इज 65 लाख। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 है ना, 9 मंथ का जो एवरेज रिवेन्यू है वो 65 लाख है, ठीक है ना, ठीक है। और शुरू के 5 मंथ का, गाइस ये जो लिंक ऋषभ ने डाला है इसके ऊपर शेयर कर दीजिएगा सब जगह, ठीक है। शुरू के 5 महीने का 60 लाख है और आखिरी के 5 महीने का 72 लाख है। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करते हैं, मैंने आपको काफी बार बताई है ये बात। जनरली स्टूडेंट्स को कैसे करते हैं कि 9 में 65 की मल्टीप्लाई करेंगे, 5 में 60 की मल्टीप्लाई करेंगे, 5 में 72 की मल्टीप्लाई करेंगे, तब जाके होता है ना। तो ध्यान दीजिएगा इसको करते कैसे हैं, सिंपली देखो मेन एवरेज है, इससे कितना कम है -5, ये से कितना कम है प्लस का 7, तो -5 कम है, 5 संख्याएं है, तो माइनस का 25 हुआ, 7 ज्यादा है, 5 संख्याएं है तो 35 हुआ, तो ओवरऑल जो डिफरेंस आया प्लस का 10 आया, जितना भी डिफरेंस आए दोस्तों उसको मेन इसमें ऐड कर दो, ठीक है, तो ये आ जाएगा 75 आंसर, ये आ जाएगा 5 महीने का रिवेन्यू, ठीक है। एक बार इसको ऐड कर लीजिए, एक बार नोट कर लीजिए गाइस और लिख दीजिए नोटेड नोटेड नोटेड, फिर हम लोग आगे बढ़ते